सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग रेसलिंग बॉक्स। तो गाइस, जैसा कि रॉयल रंबल खत्म हो चुका है और हम इस वीडियो में उसी की हाइलाइट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सा मैच हमें देखने को मिला, कौन सा हमें विनर देखने को मिला। तो गाइस, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो होने वाला है बहुत ही कमाल का। तो पहला मैच हमें देखने को मिला क्रूजवेट चैंपियनशिप के लिए वडी मर्फी वर्सेज अकीरा टोजावा वर्सेज हिडियो इटामी वर्सेज कलिस्टो के बीच। ये मैच बिल्कुल ही शानदार था, बहुत ही हाई फ्लाइंग मूव हमें देखने को मिला। बट रूमर्स जैसा कि था कि कोई दूसरा विनर निकलेगा, बट बडी मर्फी ने सबको हरा दिया और फिर से अपना जो टाइटल है उसे रिटेन कर लिया है और बने रहे क्रूजवेट चैंपियन। तो गाइस, अगला मैच हमें देखने को मिला रूसेव वर्सेस शिंस्के नाकामुरा के बीच। कह सकते हैं कि ये मैच भी बिल्कुल शानदार हुआ, बट इसमें जैसा कि रूमर्स था कि रूसेव अपना जो टाइटल है उसे रिटेन कर लेंगे, बट वो पूरा गलत हो गया। शिंस्के नाकामुरा ने फिर से हरा दिया है रूसेव को और WWE ने ये बिल्कुल गलत किया रूसेव के साथ। देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिर गाइस, अगला मैच हमें देखने को मिला द बार वर्सेज सेन मिकमैन एंड द मिज के बीच। इस मैच में जो रूमर्स थे और मेरा जो प्रिडिक्शन था वो बिल्कुल सही बैठा। सेन मिकमैन एंड द मिज ने हरा दिया है द बार को। तो देखते हैं कि WWE कैसे प्लान करती है आगे इन दोनों को। फिर गाइस, अगला मैच हमें देखने को मिला बेकी लिंच वर्सेज ऑस्का के बीच। ये मैच बिल्कुल ही अच्छा था और कह सकते हैं कि दोनों सुपरस्टार ने अपना पूरा दमखम लगा दिया इस मैच को जीतने के लिए। बट जैसा कि रूमर्स था और मेरा प्रिडिक्शन भी यही था कि ऑस्का जीत जाएंगी इस मैच को, और हुआ भी यही। तो देखते हैं कि WWE कैसे प्लान करती है आगे ऑस्का को। फिर गाइस, अगला मैच हमें देखने को मिला रोंडा राउजी वर्सेज साशा बैंक्स के बीच। ये मैच भी कह सकते हैं कि बिल्कुल अच्छा था, मतलब वुमेन्स का जितना भी मैच था बिल्कुल शानदार रहा। बट दोनों की तरफ से अच्छा अच्छा मूव देखने को मिला, बट रोंडा राउजी ने हरा दिया है साशा बैंक्स को और लास्ट में दोनों ने शेक हैंड किया और गले भी मिले। फिर गाइज, होता है 30 वुमेन्स रॉयल रंबल। इस मैच में शुरुआत लेसी इवांस एंड नटालिया करती हैं, फिर आगे आगे बहुत सुपरस्टार आती हैं, बट लास्ट में बेकी लिंच अपना जो कहते हैं कि शॉकिंग एंट्री, मैंने पहले भी बोला था कि वो एंट्री कर सकती हैं, और लास्ट में तीन सुपरस्टार बचती हैं नाया जैक शार्लेट फ्लेयर एंड बेकी लिंच। बेकी लिंच ने सबको एलिमिनेट करके जीत लिया है 2019 का रॉयल रंबल। तो देखते हैं कि आगे वो किसको चूज करती है रेसलमेनिया के लिए। तो गाइस, अगला मैच हमें देखने को मिला WWE चैंपियनशिप के लिए AJ स्टाइल्स वर्सेज डैनियल ब्रायन के बीच। जब भी ये दोनों सुपरस्टार आपस में लड़ते हैं तो अच्छा ही मैच देते हैं और ये मैच भी बिल्कुल शानदार रहा। बट लास्ट में एंडिंग ऐसा होता है कि एरिक रोवेन अपना जो शॉकिंग रिटर्न करते हैं और AJ स्टाइल्स पर अटैक कर देते हैं, उसी की वजह से AJ स्टाइल्स इस मैच को हार जाते हैं। फिर हमें अगला मैच देखने को मिला यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए ब्रॉक लेसनर वर्सेज फिन बैलर के बीच। इस मैच के लिए तो सभी इंटरेस्टेड थे क्योंकि ऐसा रूमर्स था कि डीमन किंग वाले अवतार में आएंगे फिन बैलर, बट ऐसा हुआ नहीं। बट ये मैच अच्छा हुआ, दोनों सुपरस्टार की तरफ से अच्छे अच्छे मूव्स देखने को मिले, बट लास्ट में ऐसा एंडिंग होता है कि फिन बैलर सबमिट कर देते हैं और इस मैच को हार जाते हैं और बने रहे ब्रॉक लेसनर यूनिवर्सल चैंपियन। फिर आता है 30-man रॉयल रंबल। इस मैच के लिए तो सभी इंटरेस्टेड थे क्योंकि इसमें ऐसा होता कि सभी शॉकिंग रिटर्न करते हैं, डेब्यू करते हैं, बट ऐसा हुआ नहीं। उतने खास हमें रिटर्न देखने को नहीं मिले, डेब्यू कुछ सुपरस्टार का देखने को मिला। और जैसा कि गाइस रूमर्स था कि R-Truth 30 नंबर पर आएंगे और हुआ भी यही। R-Truth पर अटैक कर देती हैं नाया जैक्स और खुद रॉयल रंबल में एंट्री कर लेती हैं, और मज़ेदार था क्योंकि उन पर सभी सुपरस्टार ने अपना अपना मूव लगाया। रैंडी ऑर्टन ने लगाया, रे मिस्टीरियो ने लगाया, डॉल्फ जिगलर ने लगाया, बट धीरे धीरे सभी सुपरस्टार एलिमिनेट होते गए और लास्ट में बचते हैं सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन। ब्रॉन स्ट्रोमैन को सेथ रॉलिंस ने एलिमिनेट कर दिया और जीत लिया है रॉयल रंबल को। तो देखते हैं कि आगे वो किसको चूज करते हैं, ब्रॉक लेसनर को या फिर डैनियल ब्रायन को। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।